स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों को जीने का संस्कार दिया जाता है। लेकिन जब स्कूल के शिक्षक ही बच्चों से भ्रष्टाचार करें तो बच्चे क्या सीखेंगे, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ताजा मामला सूरजपुर के बड़सरा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां बच्चों के बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए चाय नाश्ते के नाम पर स्कूल के शिक्षक उनसे पैसे ले रहे हैं। स्कूल में 10वीं और 12वीं के कुल 167 बच्चे हैं, जिनमें यह अवैध वसूली की जा रही है। वहीं शिक्षकों के बेसब्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हमने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने फोन पर भी ये बात को स्वीकार लिया, और उनके अनुसार स्कूल के शिक्षक छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों की कमी है। परीक्षा के लिए बाहर से शिक्षकों को बुलाया जाएगा तो उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जानकारी मिलने पर अब कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से पता चला है इस प्रकरण का, मैं इसको जांच करके जो यदि दोषी होगा तो उसके प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। आज मेरे पास कुछ विद्यार्थी आकर इस बात की शिकायत की है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र देने के नाम पर विद्यालय के परीक्षा प्रभारी अरविंद राजवाड़े द्वारा 30 रुपये प्रति विद्यार्थी की मांग की जा रही है, जिस पर मैंने विद्यालय प्रबंधन से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने चाय नाश्ता के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर 30 रुपये शुल्क ले रहे हैं, जो मेरी नज़र में पूरी तरह गलत है और विद्यालय प्रबंधन पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालों का पेपर 2 तारीख से स्टार्ट है, मैं आज स्कूल गया तो मेरे को बोला गया कि 30 रुपये देंगे तो कपड़े कितना मिलेगा। कौन बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं।